दोस्तों जैसे कि पता है सोनी का नया 2023 X74L जो है टीवी लॉन्च हो चुका है और उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बट बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि हम 74K लिए जो 2022 मॉडल है या फिर नया वाला ले जो अभी वाला है। तो आज मैं आपका कंफ्यूजन करूंगा हर तरीके से जिससे कि आपको हेल्प मिले कि आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ डिजाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट डिजाइन सिमिलर ही आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, बट इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये प्रोडक्ट होते हैं सोनी के, तो आपको उसे फील करने से पता लगता है कि यार जो है ना प्रीमियम क्वालिटी है, मतलब कहीं से कहीं भी इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल की होती है। और जो बेजल्स होते हैं थोड़े होते हैं बट ऑलमोस्ट बेजल लेस डिजाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी मिलती है। अब बात करते हैं पिक्चर क्वालिटी वगैरह की, तो दोनों ही टीवी आपको 50 हर्ट्स या 60 हर्ट्स कह लीजिए दोनों उसी टाइप से देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं आएगा, कंट्री वाइज अलग हो जाता है। तो 50 हर्ट्स कहें 60 हर्ट्स कहें एल्गोरिथम उसी तरीके से काम करती है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों में सिमिलर मिलेगा, दोनों में ही आपको X14K प्रोसेसर मिल जाएगा, चाहे आप X74K ले या X74L ले, तो यहाँ पे दोनों में सिमिलर, दोनों में SDR10 HLG जैसे फीचर आपको मिल जाएंगे, दोनों में लाइव कलर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, दोनों में ही एक्स रियलिटी प्रो मिलेगा जिससे कि जो पिक्चर क्वालिटी एनहेंस हो, कलर परफेक्ट हो, आप स्केल कर सके, तो वो ऑप्शन उससे मिल जाता है। अब यहाँ मोशन फ्लो XR100 मिलेगा जो कि 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पर कह लीजिए उस पर काम करेगा, दोनों में सिमिलर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे लाइव कलर टेक्नोलॉजी भी आपको दोनों में ही देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में कहें कोई भी डिफरेंस आपको पुराने वाले में और नए में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर साउंड की बात करें तो दोनों में ही आपको 20 वॉट्स मिलेंगे जो स्पीकर है टोटल आउटपुट, बट दो यहाँ पे स्पीकर मिलेंगे 10-10 वॉट्स के, दोनों में ही ओपन बफल स्पीकर आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही परफेक्ट जो है ऑप्शन यहाँ पर दे गए साउंड के। यहाँ पे क्लियर फेस जैसी टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाएगी, डॉल्बी ऑडियो मिलेगी, डॉल्बी एटमोस दोनों में ही टीवी में नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी सिमिलर स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों दोनों में ही प्रोसेसिंग पावर की बात कर रहे हैं, 16GB आपको मेमोरी मिलती है, रैम का यहाँ पे पता नहीं होता है, एंड्रॉइड 11 पर चलेंगे, गूगल टीवी एक्सपीरियंस दोनों में मिलेगा, चाहे पुराना मॉडल लीजिए या नया मॉडल लीजिए, X74K कह लीजिए X74L कह लीजिए, तो यहाँ पे सिमिलर ऑफ सब मिलेंगे, दोनों में ही क्रोमकास्ट जैसे फीचर मिल जाएंगे। और दोस्तों यह अमेजोन एलेक्सा भी आपको बिल्ट इन मिलेगा, एप्पल एयरप्ले किट भी आपको मिल जाएगी जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, आईफोन वाले कास्ट कर सकते हैं, तो सारे ऑप्शन यहां पे मिलेंगे। गूगल वॉइस असिस्टेंट आपको यहाँ रिमोट के थ्रू मिलेगा और रिमोट भी आपको स्मार्ट रिमोट मिलेगा, कम कीज के साथ मिलेगा, चाहे पुराना लीजिए या नया मॉडल लीजिए, तो यहाँ भी आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नजर नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं गेमिंग फीचर की, तो जो X74K है वहां पे PS5 के लिए कोई भी गेमिंग फीचर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, जबकि यहां पर आपको गेमिंग फीचर देखने को मिलेंगे जो कि नया है L74L में आपको मिलेंगे, ऑटो टोन मैपिंग आपको यहां पर मिल जाएगी, और दोस्तों यहां पर बोलते हैं ऑटो जन मोड होता है कि आप गेमिंग कर रहे हैं और मूवीज देख रहे हैं तो इजिली वन क्लिक के साथ आप स्विच कर सकते हैं बिना किसी लैग के, तो ये ऑप्शन आपको वहां पर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गेमिंग फीचर आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो दोनों में आपको सिमिलर कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं, ड्यूल बैंड वाईफाई है, 3 HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है, ब्लूटूथ वगैरह सब ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी डिफरेंस देखने को नजर नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ पे जो प्राइसिंग निकल के आई है वो 55 इंच की आपको 62,990 रुपीज मिलती है जो नया वाला X74L, तो उसकी प्राइसिंग आपको यहां पर देखने को इतनी नजर आती है, जबकि पुराने वाले की अगर बात करें तो वो आपको 55,990 रुपीज में मिलेगा 55 इंच, तो यानी कि लगभग 6,000 से 7,000 रुपीज का डिफरेंस आपको नजर आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे ही प्रोडक्ट के, कोई सा भी आप ले सकते हैं। आप मुझसे पूछेंगे आप कौन सा लेना है, तो अगर आप PS5 यूज करते हैं तो आप नए वाले की तरफ जाइए, अगर आप PS5 यूज नहीं करते, बजट का इशू है या कुछ है, तो आप पुराना वाला लीजिए X74K, काफ़ी अच्छे ऑप्शन के साथ नजर आएगा, प्राइस भी काफ़ी कम उसका आपको देखने को मिलेगा, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग होती है, साउंड भी सोनी की, तो मेरे हिसाब से आप वो लीजिए अगर आपको पिक्चर क्वालिटी सिर्फ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए लेना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप नया वाला ले लेंगे तो PS5 तो उसमें धुआंधार चलने वाला, क्योंकि उसमें भी 60 हर्ट्ज है, तो बहुत सारी चीज़ें जो और भी होनी चाहिए गेमिंग के लिए उनके लिए हार्डकोर के लिए आपको नहीं है, तो मेरे हिसाब से X74K लीजिए।
नया लेना है आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये इतना सा यहाँ पे एक चेंज था जो आपको पता लग गया होगा। अब दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी कमेंट में लिखिए वो पूछ सकते हैं, उससे ऊपर थोड़ा आइए, सब्सक्राइब बटन है, ऐसी अमेजिंग वीडियो देखनी है सब्सक्राइब करिए, और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।